ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕਈ ਸਿਪਾ ਸਲਾਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਬ ਕਿਸਾਨ ਲਾਡਵਾ ਸੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸੇ ਲਾਡਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਰੋਡ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਔਰ ਅਨੇ ਸਾਥੀਓ ਕੋ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਤਾ ਤਬ ਤੱਕ उनका आंदोलन यूं जारी रहेगा। अब देखा किसानों की संख्या अभी थोड़ी कम है लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा संख्या बढ़ना तय है। यहाँ कुछ किसान नेता है उनसे हम बात करेंगे लेकिन निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि किसान अपने अब आर बार की लड़ाई के मूड में और एमएसपी के मुद्दे पर किसानों का साफ कहना है कि किसान तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जी हम प्रधान जी को छिड़वाने के लिए बैठे हैं, प्रधान जी को रिहा करें बिना शर्त, और हम ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे, ऐसे उठेंगे भी नहीं। बाकी उनके आने से जो होगा प्रोग्राम वो बताएंगे, कैसे आगे रूपरेखा हमारे को बताएंगे वैसे रखेंगे। अभी आप यहाँ रोड पर बैठे हैं तो रोड पर बैठ कब तक बैठे रहेंगे? रोड जाम क्यों, आपने क्या कहना चाहिए? ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है, शायद संख्या ज्यादा बढ़ गई तो हम जीटी रोड भी जाम करेंगे दोबारा से। क्या कहना चाहेंगे आप जी? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी उनको रिहा किया जाए, नहीं तो हम दोबारा रोड पे जाएंगे, पुलिस की लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, तब तक नहीं रोड छोड़ेंगे जब तक सरकार उनको रिहा नहीं करती और एमएसपी पे रेट तय करके हमको नहीं देती। कितने किसानों की गिरफ्तारी की गई है, कितने किसान आपके लापता है? 700 किसान गिरफ्तार हैं लेकिन ये कम है, हम तो कुर्बानियां देने के लिए 5000 किसान तैयार है। देख लो आप हजूम देख रहे हो, अभी गाँव से लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियां भर के, दोबारा फिर जीटी रोड जाम करेंगे और इस सरकार को ये सलाह लेना चाहते हैं कि सचेत हो जा, हम अपना जोर लगा रहे हैं तू अपना जोर लगा ले। राकेश टिकैत भी आने वाले हैं, बातचीत हुई है, यहाँ भी आएंगे? नहीं, राकेश टिकैत जी कुरुक्षेत्र तक हैं, उसके बाद उनका जैसे ही प्रोग्राम आगे होगा वो आएंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हम उनके साथ करेंगे, जैसे जैसे ऊपर से आदेश होगा वैसे उनके कार्यरत पर चलेंगे। लेकिन निश्चित रूप से साफ कहना है किसानों का कि वो अब मानने वाले नहीं है, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी के दाम पर सूरजमुखी की खरीद और साथ में गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित बाकी किसानों की रिहाई अहम मुद्दा है। वो साफ कहना है थोड़ी देर में किसान इकट्ठे होंगे और ज्यादा किसान इकट्ठे होंगे और तब जीडी रोड जाम भी किया जा सकता है, जीडी रोड की तरफ कूच करने का मन भी किसान दोबारा बना रहे हैं। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र के शाहबासी चंद्र प्रकाश।